हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर प्रशांत चौधरी हूँ, सीनियर कंसल्टेंट आई सर्जन आकाश हेल्थ के न्यू दिल्ली द्वारका। आज हम बात करेंगे कि जो बारिशों के मौसम में हमें अपनी आँख के लिए क्या प्रोटेक्शन रखना चाहिए, क्या स्पेशल उसमें केयर देनी चाहिए। तो बारिशों के मौसम में शुरुआत में तो काफ़ी आंधियाँ चलती हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट एक्सपोजर होता है, और डस्ट के पार्टिकल अगर आँख में चले जाएँ तो वो आँख में इन्फेक्शन कर सकते हैं, अल्सर कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जब वो डस्ट स्टॉर्म का समय है तब हम अपना प्रोटेक्टिव आई वेयर पहने। अगर टू व्हीलर चला रहे हैं तो डेफिनेटली पूरा हेलमेट वाइज़र के साथ पहने ताकि डस्ट आँख में ना जाए। फिर आता है जब बारिशें शुरू हो जाती हैं, जब सबको आई फ्लू हो रहा होता है। अब आई फ्लू जो है एक बीमारी है जो टच से फैलती है, फॉर्माइट बोन। अगर मुझे आई फ्लू है, मैंने अपने हाथ को टच किया, कहीं टच किया, कोई दरवाजे पे, कोई हैंडल, कोई तौलिया, कोई पिलो कवर, और दूसरे व्यक्ति ने उसको टच कर लिया तो उसको वो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो नेचुरल सी बात है, अगर किसी को भी फैमिली में है तो टॉवल्स शेयर ना करें, बेडशीट्स शेयर ना करें, पिलो कवर अपना रखें और हाथ को साबुन पानी से धोते रहें। अपने हाथ से फेस को टच करना बिल्कुल अवॉइड करें। बारिशों के महीनों में फंगस ज़्यादा होता है, कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर्स को बारिश में अगर एक्सपोजर है तो कॉन्टैक्ट लेंस अवॉइड करना चाहिए। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है आँख में, कोई रेडनेस होती है, तो सेल्फ मेडिकेशन विद स्टीरोइड आई ड्रॉप्स से फंगल कॉर्नियल अल्सर से बहुत बढ़ जाता है। तो बेटर है कोई आई स्पेशलिस्ट को दिखा के ट्रीटमेंट कराएं। थैंक यू वेरी मच।